तो दोस्तों आज है मेरे हाथों में पोको M4 5G फोन और ये 15,000 रुपए के नीचे लॉन्च हुआ, लगभग 13,000 रुपए का है। एंड यहाँ पे मैं बताऊंगा कि क्या ये फोन बढ़िया फोन है। देखो बहुत सारे फोन्स हैं एंड इसमें क्या है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए शायद सही हो सकते हैं। तो क्या इस फोन में वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात कैडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस फोन के डिजाइन से। एंड डिजाइन वाइज अगर मैं इसके कैमरा मॉड्यूल को ऐसे टिल्ट कर दूं तो यहाँ पे जैसे एक मिनियन की दो आंखें, एक नाक और इट्स अ वेरी क्यूट डिजाइन। और वो जो कलर है ना, इसके कारण ना वो मिनियन पकला का पपा है वैसा जैसा दोस्तों लगता है। सो मुझे अच्छा लगा ये दो कैमरा मॉड्यूल और इसका एक नाक और नाइस डिजाइन। कहीं पे भी कुछ भी फ्लैशी सा नहीं है, छोटा सा यहाँ पे 5G लिखा गया है जो आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि एक ना एक दिन इंडिया में 5G आएगा। एंड उसके बाद इसका जो बैक पैनल है वो कर्व होता है एंड ये जो प्लास्टिक बैक है इसमें टेक्सचर्ड फिनिश है। एंड आपको केस या कवर चढ़ाते हैं तो उसके बाद इसका जो वेट है वो 200 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी इस फोन का वेट है 200 ग्राम। थोड़ा सा टॉप हैवी है एंड मुझे ऐसा लगा है कि इसमें जो स्क्रीन है वो इतनी ज़्यादा बल्च आउट नहीं हुई है। इवन आपको जो एजेस दिखते हैं उसके बाद एजेस फोल्ड होते हैं और वही एजेस दोस्तों आपको ऐसे नहीं दिखता कि स्क्रीन बहुत ज़्यादा बाहर है। और केस या कवर लगाने के बाद आपके एजेस और स्क्रीन यहाँ पे कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको IP53 की रेटिंग मिलती है एंड ये Xiaomi और Poco के हर एक डिवाइसेस में एक बहुत ही बढ़िया बात है, ये रेटिंग देते हैं। एंड इससे क्या होता है कि दे डोंट केयर अबाउट कि भाई मतलब ऑफकोर्स रेटिंग देते हैं तो पैसे ज़्यादा हो जाएंगे फोन के, बट वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं ये मुझे लगता है बिकॉज ये रेटिंग आपको इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में और किसी भी फोन में नहीं मिलती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको LCD स्क्रीन मिलता है एंड इसीलिए मुझे लगता है कि ये बड़े साइज, बड़े बैटरी एंड बड़े जो LCD पैनल है इसलिए इसका जो वेट है ओवरऑल थोड़ा ज़्यादा है। ब्लू कलर दोस्तों इसका मिलता है, बट अगर आप मेरी मानो अगर आप मिनियन फैन हो तो आप इसी को लेना, ठीक है। पावर बटन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। हैप्टिक फीडबैक दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर साइड में है एंड अगर आप बहुत ज़्यादा टाइप करते हैं तो हर एक वाइब्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है वहाँ पे, वो जो आपको लीनियर मोटर है वो नहीं देखने को मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट अगर 5G बैंड के बारे में बात करें, ऑफकोर्स आप यूज़ तो कर नहीं पाओगे अभी, लेकिन फिर भी इसमें आपको 7 5G बैंड मिल जाएंगे और उस 7 में से कौन सा इंडिया में आएगा वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट दोस्तों इसके स्क्रीन के बारे में बात करते हैं, तो स्क्रीन में आपको यहाँ पे LCD मिलती है 90 हर्ट्ज पे एंड यहाँ पे जो स्क्रीन साइज है वो है 6.58 इंचेस का विद गोरिल्ला ग्लास 3। अब यूट्यूब दोस्तों यहाँ पे 1440p 60fps में काम करता है, वाइडबैंड L1 का सपोर्ट है एंड नेटफ्लिक्स दोस्तों यहाँ पे फुल HD पे चलेगा, बट HDR ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं कर पाएगा। 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी है। और दोस्तों चूंकि LCD स्क्रीन है तो आपको यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो लगभग 500-600 निट्स की मिल जाएगी एंड एकदम हार्श सनलाइट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसको पढ़ने में एंड इट इज़ एज गुड एज इट कैन गेट ऑन एन LCD स्क्रीन। ट्रस्ट मी, अगर इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में अगर आपको LCD स्क्रीन मिल रहा है 90 हर्ट्ज में, इट इज़ अ वेरी गुड स्क्रीन। ऑफकोर्स थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कलर बैलेंस और बेटर हो सकता था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी गुड स्क्रीन। ऑडियो की बात करें तो यहाँ पे आपको मोनो स्पीकर मिलता है एंड इट इज़ अ डिसेंट स्पीकर, आप यहाँ पे मूवीज वगैरह आराम से देख सकते हो। ऑफकोर्स स्टीरियो स्पीकर अगर होता तो अच्छी बात होती है, चाहे वो 30-70 के रेशियो में भी होता। तो अब दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलता है और वो जो नेक्स्ट 2 मेगापिक्सल का कैमरा आई थिंक वो सिमेट्री देने के लिए दिया गया बिकॉज उसका इतना ज्यादा यूज है नहीं इस पर्टिकुलर डिवाइस में। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होता तो ज्यादा बेटर होता अलॉन्ग विद 8 मेगापिक्सल सेल्फी जो आपको ऑफकोर्स मिल रहा है। और दोस्तों मजाक की बात अलग है, बट एनीवेज हमने जितने भी स्मार्टफोन्स में देखा है कि 5G के लिए एक जो चीज ओमिट करते हैं मोस्ट ऑफ दी मैन्युफैक्चरर्स वो होती है अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड ये उनके टेस्ट और उनकी रीडिंग के हिसाब से होती है, मैं उससे सहमत नहीं करता हूँ। एनीवेज अगर यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा होता बहुत बढ़िया बात होती, लेकिन आप मार्केट में कंपटीशन से कंपेयर कर लो इस पर्टिकुलर प्राइसिंग में जो आपको चिपसेट दे रहा है उसमें ये शायद एक नेसेसरी कॉस्ट कटिंग है जो उनको करनी पड़ी होगी। कैमरा की बात करें अगर प्राइमरी कैमरा की, HDR सही काम करता है, बट समटाइम्स तो ऑटो HDR इट डजंट रियली वर्क दैट गुड एंड मैनुअली दोस्तों अगर आप स्विच करते हैं HDR में तो आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्लैरिटी सही है, ओवर शार्पनिंग है, बट एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स अच्छे हैं, कलर्स नेचुरल की तरफ है एंड थोड़े से जो रेड्स हैं वो सैचुरेट हो रहे हैं, बट ग्रीन इतना ज़्यादा सैचुरेट नहीं हो रहा है। वीडियो दोस्तों यहाँ पे आपको 1080p 30fps मिलते हैं जो कि ओवरऑल एक डिसेंट क्वालिटी में करता है।
अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो MediaTek Dimensity 700 मिलता है विद UFS 2.2 एंड बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने है। एंड NT2 के दोस्तों स्कोर्स बढ़िया है, CPU थ्रॉटलिंग इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिली, BGMI स्मूथ प्लस अल्ट्रा या फिर SDN हाई में आप खेल सकते हो, थोड़े बहुत देखो ओकेशनल जिटर्स वगैरह आएंगे बट डिवाइस इतना गर्म नहीं हुआ। एंड रियल वर्ल्ड सिनेरियो में विद द UFS 2.2 इट इज रियली गुड, मक्खन जैसा चलता है अगर आप इतने ज्यादा प्रो यूजर नहीं हो तो। अब अगर दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 आपको मिलता है। ब्लूटवेयर बहुत सारे हैं वो गलत बात है, लेकिन उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो वो बहुत बढ़िया बात है। देखो इस फोन का जब आप सेटअप करोगे ना तो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, बहुत लोगों को वो सॉफ्टवेयर पसंद है बट अगर आपको नहीं पसंद है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा 20-25 मिनट दे देना। एंड सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है, जो फालतू की नोटिफिकेशन जो वो एप्स हैं, इफ यू रियली डोंट वॉन्ट टू यूज देम हटा देना, स्पेस भी मिलेगी और पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 22.5 वॉट चार्जर जो कि 18 वॉट USB PD भी सपोर्ट करती है, आराम से 1.5 दिन चलती है, 2 दिन चल जाएगी अगर आप बहुत ही एकदम ध्यान से चला रहे हो कि भाई मुझे कुछ भी गेम्स वेम्स ऐसा कुछ नहीं करना है। प्राइसिंग की बात करें तो 464 मिलता है 13000 का, 6128 मिलता है 15000 का। अब दोस्तों मुद्दे की बात पे आते हैं कि क्या 13000 रुपए में आपने ये फोन खरीदना है। तो देखो इस पर्टिकुलर फोन में कॉम्प्रोमाइजेस हैं, जैसे कि अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, हाँ बस वही है मोस्टली अगर आप देखा जाए तो, ऑफकोर्स एमोलेड भी नहीं है जो कि आपके आजकल 13-14 हज़ार रुपये मिल जाता है, बट ये देखने की बात है कि भाई ये 5G डिवाइस है जो कि इस पर्टिकुलर प्राइसिंग में आपको एक बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन दे रहा है, बैटरी लाइफ दे रहा है एंड इसमें आपको 90Hz LCD देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको 60Hz LCD देखने को मिली है, ऑफकोर्स अल्ट्रा वाइड इज द ओनली थिंग दैट आई एम मिसिंग ऑन दिस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में अगर आपको 5G फोन ही खरीदना है देन नथिंग बीट्स दिस। कंपटीशन में इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन में आपको ऑलमोस्ट हार्डली कोई और फोन नहीं लेगा। तो अगर आपको 5G फोन नहीं खरीदना है देन दिस फोन इज आउट ऑफ पिक्चर। आप पोको M4 जो 4G वाला M4 Pro 4G वाला वेरिएंट है वो देख लो, Redmi के डिवाइसेस है वो देख लो, बट अगर आपको 5G मतलब अगर आपके लिए 5G का स्टैम्प बहुत बड़ी चीज़ है ये के लेना, गोविंदा कलर है अच्छा लगेगा, मान लो मेरी बात, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।